तो गाइस बात आती है 30,000 में गेमिंग पीसी या फिर स्ट्रीमिंग एडिटिंग कोई भी वर्कलोड करने के लिए एक पीसी बिल्ड करने की। तो यार लगता है कि यार 30,000 में कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट गाइस वो समय गया जब यहाँ पे सीपीयू एंड ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस काफी ज्यादा हाई हुआ करती थी। आज के समय में गाइस इनके जो प्राइस है वो स्टेबल हो चुके हैं, इतने तो बहुत अच्छे हो चुके हैं कि आप लोग एक मिड रेंज पीसी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग बना सकते हो। बट बात वही आता है कि विच इज द बेस्ट कॉम्पोनेंट फॉर अंडर ₹30,000 पीसी बिल्ड करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि कौन सा कॉम्पोनेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा 30,000 में। और गाइस सबसे पहले तो यार देखो अभी के समय में अगर पीसी बिल्ड करते हो तो आप लोगों को इतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। जिस पीसी को आप लोग आज से 2 महीने पहले 40,000 का बिल्ड कर रहे थे वही यहाँ पे अभी आप लोगों को 30,000 रुपीज में बिल्ड हो जाएगा। तो अमेजन पे काफी ज्यादा बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है। और इस वीडियो के बाद गाइस आप लोगों को कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज इस वीडियो में 30,000 में जो भी हो सकता था गेमिंग के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए, कोडिंग के लिए, कोई भी वर्कलोड करने के लिए, वो सारी चीजें मैंने भर भर के यहाँ पे यूज किया है। लाइक वो प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया मैंने यूज किया है 6 कोर एंड 12 थ्रेड वाला। और गाइस यहाँ पे बाकी सारे कंपोनेंट भी बहुत ही बढ़िया मैंने यूज करा है। सो गाइस जो सबसे पहला कंपोनेंट दैट इज प्रोसेसर। अब देखिए यार प्रोसेसर आप लोग अगर गलत चूज करते हो तो आपका जो पूरा पीसी है उसका पूरा मजा आप लोगों का खत्म हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो प्रोसेसर यूज करा है दैट इज Ryzen 5 5600G। सो गाइस दिस इज iGPU। तो इसमें आप लोगों को इंटीग्रेटेड GPU मिलेगा दैट इज ग्राफिक कार्ड। तो आपको अलग से कोई भी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड अभी लगाने की जरूरत नहीं है, हालांकि फ्यूचर में आप बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो तो यू कैन अपग्रेड आल्सो। इस वाले सीपीयू में आप लोगों को 6 कोर एंड 12 थ्रेड देखने मिल जाते हैं विथ 19 MB L3 कैच मेमोरी। और इसका जो सीपीयू क्लॉक स्पीड है दैट इज मैक्सिमम 4.4 GHz। तो यहाँ पे आप लोग 60+ FPS आप GTA जैसे गेम में अचीव कर सकते हो। तो काफी बढ़िया है, सारे गेम्स बहुत ही अच्छे तरीके से चलेंगे मीडियम और लो सेटिंग में। इसमें आप कोई भी काम कर रहे हो लाइक गेमिंग, एडिटिंग, स्ट्रीमिंग, कोई भी काम कर रहे हो अभी के लिए, अगर आप लोग ग्राफिक कार्ड नहीं भी यूज करते हो फिर भी आप ये सारे काम कर सकते हो। अगर इसके प्राइस के बारे में बात की जाए तो इसका रेगुलर जो प्राइस है दैट इज 15,499 रुपीज। लेकिन अगर आपके पास कार्ड है तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, जो फाइनल प्राइस बनेगा दैट इज 13,949 रुपीज। तो यार इतना बढ़िया प्रोसेसर, इतना बढ़िया सीपीयू आप लोगों को इतने कम प्राइस रेंज में मिल रहा है, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे आप लोगों को मेरा वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जितने भी कॉम्पोनेंट है उनके स्पेक्स देख सकते हो और वहाँ से आप बाय भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मैंने मदरबोर्ड का यूज करा है दैट इज GigaByte V450। तो बहुत ही बढ़िया GigaByte की तरफ से आने वाला बहुत ही अल्ट्रा ड्यूरेबिलिटी वाला मदरबोर्ड हो जाता है। DDR4 RAM आप लोगों को 4 RAM स्लॉट देखने मिल जाएगा, PCIe Gen 4 मिलेगा और 3 तो आल्सो सपोर्टिंग है इसमें। तो देखो यार इतने अच्छे कंपोनेंट्स आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा, आप लोग वीडियो देख लेना यार। अगर आप लोगों पे बिलीव नहीं होता है तो मैंने वीडियो देखा है कि कैसे कैसे आप लोगों को लोग सजेस्ट करते हैं, तो वो तो करते हैं, करेंगे भी क्या ही कर सकते हो। बट मेरा काम है आप लोगों को बहुत ही परफेक्ट पीसी बिल्ड बनाना, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा वीडियो बनाता भी नहीं हूँ, 1 महीने बाद मेरा पीसी बिल्ड का वीडियो आ रहा है। और गाइस मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने वीडियो का क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूव करूँ, बट यार देखो यार कुछ अर्निंग भी मेरा नहीं हो रहा है, इसके वजह से थोड़ा सा तो यार काम करने में दिक्कत होता है, बिकॉज वेबसाइट वगैरह मैंने सब कुछ बनवाया है तो उसमें भी खर्चे लगते हैं, पैसे लगते हैं और मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं है, तो यार थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट आई मैनेज कि मैं कर रहा हूँ। तो इस मदरबोर्ड का जो प्राइस है डील में वो आप लोगों को मिलेगा 8,790 रुपीज़। अब देखो यार ये अलग जगह का वेबसाइट का है, यहाँ पे आप लोग अमेजन पर जाते हो तो आप वहाँ पे आप लोगों को 10,000 रुपीज़ का मिलेगा। और गाइस वहाँ पे मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ इस कंपोनेंट को, आप लोग इसको अदर साइट से कर सकते हो, जैसे कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा MD Computers या फिर बहुत सारे आप लोगों को वेबसाइट देखने मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग इसको परचेस कर सकते हो। सो नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज रैम। अब देखो यार एक गेमिंग पीसी बिल्ड करने के लिए एटलीस्ट 16 GB रैम तो होना ही चाहिए, तो मैंने किया है XPG की तरफ से D30। इसमें काफी अच्छा हीटसिंक भी देखने मिल जाता है और इसका जो प्राइस है दैट इज 2,298 रुपीज। अगर आपके पास वही कार्ड वगैरह है तो 10% का डिस्काउंट इसमें भी मिल जाएगा, तो आप लोगों को 2,158 रुपीज का ये पड़ने वाला है। इसका जो मेमोरी क्लॉक स्पीड है दैट इज 3200 MHz, तो काफी बढ़िया है। और देखो आप इसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हो और जो मदरबोर्ड है वो भी ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट जिसमें आपका विंडोज वगैरह गेम वगैरह सारा कुछ इसमें स्टोर होगा दैट इज स्टोरेज। तो यहाँ पे मैंने यूज किया है XPG की तरफ से उनका S5 512 GB का, यानी कि 512 GB का एक NVMe M.2 SSD। देखो मैं स्टोरेज में HDD भी लगा सकता था बट यार उतना बजट थोड़ा सा बड़ा हो जाता, तो देखो अभी के लिए 512 GB मोर देन इनफ, कि बहुत ज्यादा यहाँ पे आप लोग चीजें तो इंस्टॉल नहीं करने वाले आई थिंक। और गाइस 256 GB मत यूज करना, बिकॉज यार उतने में तो विंडोज वगैरह ही इंस्टॉल होते हैं, फिर आपका स्टोरेज जो है खत्म हो जाता है। इसका रीड एंड राइट स्पीड भी बहुत अच्छा है और इसका डील में प्राइस जो चल रहा है दैट इज 3,450 रुपीज। इसके जगह पे आप क्रशियल का भी ले सकते हो जो कि 500
100GB का आपको मिलेगा। दोनों का प्राइस सेम टू सेम है, बट उसका जो रीड एंड राइट स्पीड है इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, बट उसमें आप लोगों को इतना अच्छा हिक्सिंग नहीं मिलता है जितना इसमें मिलता है। तो दोनों के अपने ही फायदे हैं। तो अगर आपके पास वही कार्ड वगैरह है तो 250 का डिस्काउंट इसमें भी देखने मिल जाएगा। तो जो फाइनल प्राइस होगा दैट इज 3,200 rupees। अब इतने सारे कंपोनेंट तो बहुत अच्छे अच्छे मैंने यूज करा है। तो इसमें मैंने पावर सप्लाई तो यूज करा है 450W का दीपकुल की तरफ से PF450। अब देखो यार, एक काफी बढ़िया पावर सप्लाई हो जाता है और 450W मोर देन इनफ फॉर दिस बिल्ड, बिकॉज यार इसमें बहुत महंगे कंपोनेंट्स भी नहीं लगे हैं। और अगर आप लोगों का बजट थोड़ा सा और कम करना है तो आप लोग एंटी स्पोर्ट का VS450L को यूज कर सकते हो, बट उसको मैं रिकमेंड नहीं करता बिकॉज वहां पे वो थोड़ा सा सस्ता हो जाता है आप लोगों का। सो दीपकुल वाले PSU का जो प्राइस होगा दैट इज 2,499 rupees। ये 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड वाला है और इसका आप लोग अगर स्टैंडर्ड मॉडल लेते हो तो आप लोगों को 2,100 समथिंग कुछ पड़ता है। सो गाइस, फाइनल कंपोनेंट दैट इज कैबिनेट। तो देखो यार, कैबिनेट आप कोई सा भी यूज कर सकते हो जो कि आपके बजट में लाइक 3,000-2,000 के राउंड हो। बट गाइस, मैं यहाँ पे आप लोग सजेस्ट करता हूँ कि एक बढ़िया सा आप लोग कैबिनेट यूज करो। अगर थोड़ा सा आप अपना बजट बढ़ा भी सकते हो तो 511MT को आप लोग यूज कर सकते हो, दैट इज वेरी गुड और बहुत ही बढ़िया कैबिनेट है। बट यहाँ पे 30,000 की बात चल रही है तो एक्सटेंड तो नहीं कर सकते। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एनटेक की तरफ से उनका NX282 को यूज करो। इसमें आप लोगों को 3 RGB फैन देखने को मिल जाएंगे जो कि काफी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं, आपको बहुत अच्छा देखने में लगता है। ये आप लोगों को 3,300 rupees में कहीं भी मिल जाएगा, Amazon वगैरह में, जहां से भी आप परचेस करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो। सो इसका जो फाइनल प्राइस होगा, जो टोटल प्राइस होगा दैट इज 32,664 rupees। अब अगर आप B550 के साथ जाते हो तो ये प्राइस होगा। अगर आप लोग B450 वाले मदरबोर्ड पर जाते हो, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तब आप लोगों को प्राइस जो पड़ेगा दैट इज 30,664 rupees। तो 2000 का डिस्काउंट करके क्या ही फायदा, आप लोग थोड़ा सा प्राइस को पुश कर सकते हो और इसको फाइनली परचेस कर सकते हो। तो गाइस, ये रहा आप लोगों का गेमिंग PC और इसी में आप लोग इंटेल का बिल्ड बना सकते हो। बस आपको चेंज क्या करना है वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोग इंटेल का बिल्ड बनाना चाहते हो तो आप लोग प्रोसेसर यूज करो उनका, इंटेल की तरफ से i3 जो कि 12 जनरेशन वाला लेटेस्ट प्रोसेसर है, जिसमें थोड़ा सा बूस्टअप आप लोगों को मिलेगा, सिंगल कोर का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा मिलेगा बिकॉज ये नए टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है और बहुत लेटेस्ट है। तो इसमें कोर्स वगैरह थोड़ा सा कम मिल जाएगा आप लोगों को, 4 Core and 8 Thread देखने मिल जाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ा सा हम कह सकते हैं थोड़ा सा कम इसका परफॉर्मेंस है। बट इन फ्यूचर इसमें आप ग्राफिक कार्ड यूज करते हो तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने मिलेगा। तो ये भी एक iGPU है, तो इसमें आप लोगों को अभी तो ग्राफिक कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, गेमिंग वगैरह उतना अच्छे से आप लोग नहीं कर सकते हो विदाउट ग्राफिक कार्ड। बट हाँ, ये एक फ्यूचर प्रूफ भी हो सकता है बिकॉज दिस इज सपोर्ट DDR4 रैम और DDR5 भी सपोर्ट करता है। तो DDR5 रैम सपोर्ट करने की वजह से ये थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ हो सकता है, क्योंकि यार फ्यूचर में आप DDR5 भी रैम आ रहे हैं जो कि काफी ज्यादा फास्ट है। इसका जो प्राइस है अराउंड 12,519 rupees का रहेगा और ये Amazon का प्राइस नहीं है, अदर साइट का है, मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको परचेस कर सकते हो। अगर आप लोग इंटेल के साथ जाते हो तो वहां पे आप लोगों को मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, दैट इज S सीरीज का मदरबोर्ड आप लोग यूज कर सकते हो। MSI की तरफ से उनका MSI Pro S610M BDDR4 मदरबोर्ड जो कि एक काफी डिसेंट सा मदरबोर्ड है, बिकॉज यार 12 सीरीज के जो यहां पे मदरबोर्ड होते हैं वो थोड़े से महंगे हैं इस समय पर, बट फ्यूचर में और भी सस्ते हो सकते हैं, बट इससे ज्यादा सस्ता क्या ही हो सकता है, 6,960 rupees का ये आप लोगों को पड़ेगा। तो अगर आप इंटेल के साथ जाते हो 31,574 rupees में आप लोगों का टोटल प्राइस यहाँ पे बनेगा। सो दीज आर दी बेस्ट कंपोनेंट अगर आप लोग पीसी बिल्ड करना चाहते थे या फिर करोगे। तो यार देखो, ये जो भी मैं कंपोनेंट बता रहा हूँ उनमें से सबसे बेस्ट अगर मेरे ओपिनियन के बारे में बात किया जाए तो आप लोग अभी राइजन बिल्ड पर जाओ, बिकॉज उसमें आप लोगों को अभी के लिए बहुत ही बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा। इन फ्यूचर आप लोग ग्राफिक कार्ड ऐड करते हो तो और भी ज्यादा बढ़िया आप लोगों को परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। और यार पीसी बिल्ड कर रहे हो तो दिस इज दी बेस्ट और बहुत ही बढ़िया टाइम है। इसके बाद गाइस आप लोग पीसी बिल्ड करते हो तो यार किसी मतलब का नहीं रह जाओगे, बिकॉज प्राइस वगैरह भी हाई हो जाएगा। तो जाओ यार जल्दी से, अगर आप लोग पीसी बिल्ड करना चाहते थे तो इस दिवाली अपना पीसी बना लो। कोई भी आप लोग इसमें गेम खेल सकते हो, लाइक आप लोग अभी जो एंड्रॉइड गेम्स खेलते हो, फ्री फायर जैसे, BGMI जैसे गेम्स को खेलते हो, तो वो तो इनमें मक्खन चलेंगे यार, कोई भी दिक्कत भी नहीं होगा और लाइव स्ट्रीम भी आप लोग कर सकते हो। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस वाले बिल्ड पर आप लोग कमेंट में बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो वो भी कमेंट में लिख देना। तो हाँ यार, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक में एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।